यहाँ इसी गली से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुजरा करते थे। यही वो घर हैं जहाँ माता रमाई ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनको कई बच्चों को खो दिया। ये किचन अभी तो आपको दिखेगा कि आधुनिक किचन है, तमाम जो बर्तन हैं, गैस है, वो आधुनिक है, लेकिन उस समय माता रमाई जो हैं वो यहीं पर रहकर अपना जो चूल्हा चौका है वो किया करती थी। और यही वो सड़क है, यही वो जगह है जहां पर छत्रपति शाहू जी महाराज की गाड़ी आकर रुकी थी जब वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने आए थे। तो कल्पित साहब, माता रमाई बाबा साहेब की घर पे रहते हैं, उसकी ज़मीन को टच करते हैं तो फील आता होगा थोड़ा बहुत? फील तो आता है, मतलब हम लोग लकी से पहुँचे हम लोग को कि हम लोग ये रूम में रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन यहाँ बीता है और अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं, वो सब रहते हैं। तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक जगह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की याद में। जय भीम। मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ ये मुंबई का BIT चौल है और इस चौल के पीछे की खासियत ये है कि यहाँ का भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर रहा करते थे। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। ये चौल आप देखें, यहाँ BIT चौल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि बहुत से लोगों को आप पूछे तो अलग अलग जगह का रास्ता बता देते हैं। इसलिए अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो दामोदर हॉल सर्च करके आएं और उसके पास ही BIT चौल है, BIT चौल नंबर 1, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी ज़िंदगी के बड़े वक्त तक यहाँ रहे। ये वही वो चौल है, ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं ऊपर जाया करते थे और यहीं पर उनका परिवार रहा करता था। इसी को माँ करने के लिए यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा सा चित्र है, तथागत बुद्ध का एक चित्र है और दूसरी तरफ माता रमाई का चित्र यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही उनके जीवन के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। तो यही वो घर है, यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़ते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी कमरे में जाया करते थे, जिसे मराठी में खोली कहते हैं, खोली नंबर 50, 49 और 50। वहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे। और यही वो सड़क है, यही वो जगह है जहाँ पर छत्रपति शाहू जी महाराज की गाड़ी आकर रुकी थी जब वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने आए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मूक नायक अखबार निकालने के लिए उन्होंने आर्थिक मदद की थी। बाबा साहेब का हौसला बढ़ाने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज जो हैं आए थे और इसी रास्ते से उनकी जब गाड़ी आई थी तो यहाँ रुकी थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम उन्होंने पुकारा था, उनके साथियों ने बाबा साहेब को आवाज़ लगाई थी। ये ऐतिहासिक जगह है, छत्रपति शाहू जी महाराज, माता रमाई, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का तीनों की मुलाकात यहाँ हुई, उन्होंने साथ में चाय पी। हम आपको वो कमरा भी दिखाएंगे जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे और छत्रपति शाहू जी महाराज जहाँ बैठकर जिन्होंने चाय पी थी, वो कमरा भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी वहाँ पर कोई और रहता है, लेकिन वहाँ क्या इंतज़ाम है, क्या अभी भी बाबा साहब की याद में वहाँ पर किसी जगह को संरक्षित करके रखा गया है? वो कमरा, वो चौल जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी मुश्किल वक्त को बिताया, वो कैसा है, वो मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूं। आइए मेरे साथ। तो ये BIT चौल नंबर 1 की दूसरी मंजिल है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे, उनकी याद में आप देखें यहाँ पर उनका चित्र लगाया गया है और इसी फ्लोर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उन्हीं की याद में थोड़ी कुछ यहाँ पर काम किया गया है, जैसे उनकी तस्वीर है। इस तरफ दीवार पर भी आप देखेंगे तो तथागत बुद्ध और माता रमाई जो हैं उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को दिखाते हुए कुछ चित्र जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की याद है यहाँ पर, इसी चौल में वो रहा करते थे। और आपने कई जगह देखा होगा,
उनके जीवन से जुड़ी हुई जो फिल्में बनी हैं, जो नाटक बने हैं, उनमें भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस चौल को दिखाया गया है। और इस बात को जो है आप अगर देखें तो समझेंगे कि यहीं पर वो तस्वीरें हैं, वो चौल की जगह है जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे। यही वो जगह है जिसको आप कई सारी फिल्मों में भी देखते हैं, जो ममूती की डॉक्टर अम्बेडकर फिल्म है उसमें भी आप देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ आते हैं, लोगों से अपने लोगों को समझाते हैं, समय बिताते हैं। वो ये यादें इसी कॉरिडोर की हैं, इसी गलियारे की हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन यहाँ बीता है और अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज़ हैं वो सब रहती हैं। तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद में, ये आप जगह देखेंगे, यही वो बाबा साहब की याद में वो जगह को संरक्षित किया गया है जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो रहा करते थे। और छत्रपति शाहू जी महाराज, माता रमाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं, जय भीम लिखा हुआ है। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के याद में, चूँकि वह शोल में रहा करते थे, उनका जीवन का काफ़ी मुश्किल वक्त यहाँ पर गुजरा है। वो यादें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत का संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसके सभी सदस्यों की तस्वीर यहाँ पर हैं। तो यहाँ ये एक स्मारक रूप में बनाया गया है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, माता रमाई, ये तस्वीरें यहाँ पर रखी गई हैं। बाबा साहब की बहुत खूबसूरत एक गोल्डन कलर की मूर्ति रखी गई है, यानी जब जो लोग आते हैं तो उनको देखकर ये पता चल जाता है कि यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे। तो ये जो चौल है अपने आप में काफ़ी अपने आप में कहें कि कहानियों को समेटे हुए है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है कि यहाँ इसी गली से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुजरा करते थे। यही वो घर हैं जहाँ माता रमाई ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनको कई बच्चों को खो दिया और कई जो ज़िंदगी के कठिन पल थे वो यहाँ बिताए हैं उन्होंने। जद्दोजहद होती थी अपने परिवार को कैसे पालें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, आर्थिक तंगी भी थी उस समय, तो ऐसी जगह पर उनको रहना पड़ा और काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहीं से फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर निकले और वो ऐसे मुकाम पर पहुँचे जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे समाज की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो रूम भी दिखाएं जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस चौल के अंदर रूम में रहा करते थे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्मारक के तौर पर उसको बनाया गया है। और यहीं से जब आप इधर मुड़ेंगे तो ये दो कमरे हैं, ये एक कमरा है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे, ये अभी बंद है, इसमें कुछ लोग रहते हैं काम करने चले गए होंगे, सुभद्रा ताडिलकर उनका नाम है, रूम नंबर 50, यहाँ से वो अभी है नहीं तो ये हम अंदर का नहीं दिखा सकते, लेकिन इस तरफ 49 नंबर खोली है जिनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमको थोड़ा शूट करने की परमिशन दें, अंदर आने की परमिशन दें, तो उन्होंने अलाउ किया। तो मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। इस रूम में जो है अभी एक फैमिली रहती है, क्या नाम है साहब आपका? कल्पित खैरे। कल्पित साहब, तो इसी जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहा करते थे? हाँ, यही जगह पे। ये क्या था, उनका किचन वगैरह था? हाँ, ये किचन था एक्चुअली, ये उनकी मिसेस रमा भाई है ना, उनका ये उनका एक्चुअली रूम था और बाबा साहब सामने का रूम में बैठ के पढ़ाई करते थे। और उनको पसंद नहीं था कि कोई डिस्टर्ब करे पढ़ाई के लिए, अलग रूम लिया था। बराबर। अभी आप यहाँ कब से रह रहे हैं कल्पित साहब? जब से बाबा साहब राजगृह गए तब से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, आपकी परिवार यहीं पे रहता है? हाँ। मुझे सूचनाएं मिली थी कि बाबा साहब के जो सहयोगी थे उन्हीं को उन्होंने फिर ये घर बाद में दे दिया था, तो आप उन्हीं परिवार से हैं? हाँ, बराबर। बाबा साहब के जो बड़े भाई है आनंद राव जी, उनकी जो मिसेस है हाँ। वो मेरे डैडी की बुआ थी। अच्छा। तो और जो सामने वाला घर है ताडिलकर जी, उनकी जो ससुर थे वो अपने बाबा साहब ने जब समता सैनिक दल निकाला था जी, जी, जी। उनके वो कमांडर थे। हाँ, समता सैनिक दल के चीफ हुआ करते थे उस समय। तो वो बाद में बाबा साहब ने राजगृह में घर लिया, तो ये दोनों चौल वो अपने लोगों को दे के चले गए। हाँ, बराबर। तो ये जो चौल है ये इसका मालिकाना हक किसके पास होता है? बीएमसी के पास है। बीएमसी के पास में है।
तो इसका भाड़ा भरना पड़ता है? हाँ, भाड़ा भरना पड़ता है। तो बाबा साहब को भी भाड़ा भरना पड़ता है? नहीं, वो टाइम पे बीएमसी फॉर्म नहीं हुआ था ना, बीएमसी 1956 के बाद फॉर्म हुआ। तो वो उसका देखरेख तो इंपीरियल जमाने में होता था, एक अथॉरिटी तो थी। तो हमने पढ़ा है कि उसके लिए कुछ अमाउंट मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता था उनको। नहीं, वो टाइम का अपने को पता नहीं, लेकिन होता था। अच्छा, और ये जो किचन है तो मुझे लगता है कि यहीं पे शाहूजी महाराज आए होंगे? सामने आए थे। हाँ। अच्छा, और माता रमाई ने यहीं पे उनके लिए चाय बनाई होगी? चाय और ये जो बोलते हैं ना, भाकर रहते हैं, मतलब भाकरी रहते हैं। हाँ। वो बनाया था। आपके यहाँ जवार बाजरे की रोटी जैसा कुछ बनता है? वही रोटी। अच्छा, तो मैं थोड़ा देख लूँ किचन की तरफ। ये देखिए, इनको थोड़ी असुविधा ज़रूर हो रही होगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इतिहास है, इतिहास को समझने जानने की कोशिशें होती हैं। ये किचन अभी तो आपको दिखेगा कि आधुनिक किचन है, तमाम जो बर्तन है, गैस है, वो आधुनिक है, लेकिन उस समय माता रमाई जो हैं वो यहीं पर रहकर अपना जो चूल्हा चौका है वो किया करती थी। और तमाम फिल्मों में भी आपने देखा होगा, नाटकों में आपने देखा होगा कि कैसे जो माता रमाई हैं वो इस पूरे किचन को संभालती हैं, इस घर को संभालती हैं, और इसी रूम में वो रहती थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना होता था, पढ़ने लिखने में उनकी बहुत समय जाता था, इसलिए उनके एक अलग रूम उनके लिए था जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठ के पढ़ा करते थे। तो इसी रूम में आप देखेंगे तो माता रमाई का जो है वो चित्र लगा हुआ है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा हुआ है, और यहीं पर उन्होंने पूरा अपना घर संभाला और अपने असंख्य बच्चों के लिए ज़बरदस्त त्याग किए, क्योंकि उनके बच्चों का जन्म हुआ, कई बच्चों की ज़िंदगी वो नहीं बचा पाए। बाद में यशवंत अकेले एक बेटे रहे। तो इतनी सी जगह में रह के हमारी माता रमाई ने कितने संघर्ष किए होंगे, कितने चैलेंजेस रहे होंगे, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने असंख्य बच्चों की ज़िंदगी को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो कल्पित साहब, माता रमाई बाबा साहेब की घर पे रहते हैं, उसकी ज़मीन को टच करते हैं, तो फील आता होगा थोड़ा बहुत? फील तो आता है, मतलब हम लोग लकी से समझते हैं हम लोग को कि हम लोग एक रूम में रहते हैं। तो यहाँ उनके लोगों का तो आना जाना होगा, जो उनको देखने के लिए आते होंगे? बहुत आते हैं। थोड़ी परेशानी होती होगी? परेशानी नहीं होती, अपने लोगों के लिए काई का परेशानी। क्या बात है, ये जो भावना है इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया कल्पित कि इन्होंने हमें इसमें अंदर शूट करने की परमिशन दी। वो वाला रूम जो बाबा साहेब का स्टडी रूम था, वो अभी चूंकि बंद है, लोग काम पे चले गए हैं, मुंबई में सब लोग कमाते खाते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे लोग तो हमेशा से मेहनत के तबके के लोग रहे हैं, तो वो चले गए हैं। लेकिन उनकी याद में आप देखेंगे, बाबा साहब की याद में ये कोना संरक्षित करके रखा गया है, और इसी कोने को आप समझें कि जो लोग आएँ वो देखें यहाँ पर, ताकि उनको थोड़ा ऐसी भावनाएँ जुड़ें, फीलिंग आए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़मीन पर वो रहे हैं। ये वो कमरा है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्टडी किया करते थे, और इसी के अंदर से जब शाहूजी महाराज की गाड़ी नीचे से मैंने आपको दिखाया था कि उस सड़क से गुजरी थी, तो खिड़की से झाँक के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था। माता रमाई ने बताया था कि देखो नीचे शाहूजी महाराज आए हैं, गाड़ी लेकर वो खड़े हैं, और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं जाते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, और शाहूजी महाराज ऊपर आते हैं तो यहीं बैठ कर उन्होंने चाय पानी पिया, भाकर उन्होंने बनाया माता रमाई ने उनके लिए। तो जो छत्रपति राजा थे शाहूजी महाराज, वो भी चौल में आए और यहाँ पर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मूक नायक, जो 15 दिन में छपने वाला उनका अखबार था, उसके लिए आर्थिक मदद दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने बाबा साहब का हौसला बढ़ाया। तो हमारे जो राजा थे वो भी कितने शानदार अपने मसलों को लेकर जागृत थे, अपने लोगों का ख्याल रखते थे, ये भी समझने वाली बात है। और इस चौल के इतिहास के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये जो BIT चौल है, ये यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में ये चौल बनाया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही काफ़ी प्रयास किए थे, उस समय अंग्रेज़ी सरकार थी, तो अंग्रेज़ी सरकार को इस बात के लिए मनाया गया था कि हमारे जो लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको बहुत सारी जगह पर रहने की अनुमति नहीं है, लोग उनको किराए पर अपना घर नहीं देते, ज़मीन वो खरीद नहीं सकते, घर बना नहीं सकते, बहुत ही झुग्गी झोपड़ी जैसे इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो हमारे लोगों को पक्का मकान दिया जाए और उनको अच्छे वातावरण में रहने की सुविधा मिले। तो इसीलिए अंग्रेज़ी सरकार ने ये BIT चौल बाबा साहब के कहने के बाद इसको बनाया था, और बाबा साहब खुद यहाँ लंबे वक्त तक रहे, जब तक 1933 में उनका राजगृह वाला घर बन के तैयार नहीं हुआ, वो यहाँ रहते रहे और फिर राजगृह में शिफ्ट हुए हैं, और उसके बाद फिर आप जानते हैं दिल्ली वो शिफ्ट हुए और 26 अलीपुर रोड पर उनका
का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये हमारे लोगों की ज़्यादा ऑक्यूपेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो अभी भी लोग यहाँ रहते हैं। इसका भाड़ा उस तरह से नहीं देना पड़ता, अभी ये BMC के कंट्रोल में है, उस समय एम्पीरियल जो सरकारें थी, जो अथॉरिटी थी, उनके नियंत्रण में था, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर ज़रूर इसका पैसा भरना पड़ता है। और हमने जो चीज़ें सुनी है, पढ़ी है, उसके मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मेंटेनेंस का पैसा भरना पड़ता था। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से या उनके परिवार से किसी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे कल्पित साहब बता रहे थे कि आनंद जी जो उनकी पत्नी है वो इनके पिता की बुआ हैं, तो इनके फैमिली रिश्ते भी हैं। और यहाँ जो साहब रहते थे वो समता सैनिक दल के कमांडर थे, जब बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था तो अपने लोगों को वो ये सौंप के यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अभी भी उनकी याद में यहाँ स्मारक है और लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को भी क्या भावनाएं आती होंगी उसको तो कैसे ही बयां किया जाए कि सुबह उठते हैं, सोते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माता रमाई का जो एहसास है उनको ज़रूर होता होगा। मुझे भी आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर कभी मुंबई आएँ, इसके आसपास आएँ, तो आप BIT चौल के नाम से आ सकते हैं। ध्यान रखिए BIT चौल, यहाँ पर BDD चौल भी है, जिसका आप जब पूछेंगे लोगों से तो कई लोग BDD चौल बोल देते हैं। हम वहाँ जाकर आए, घूम के आए, वहाँ पर ये घर नहीं है, ये BIT चौल है। दामोदर हॉल के पास में आप गूगल सर्च करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और दूसरी मंजिल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये खोली नंबर 49 और 50 है, जहाँ 50 और 51 है, जहाँ वो रहा करते थे। तो यहाँ पर आप लोग पहुँचें कभी आसपास हों और इसको फील करें। ये ज़्यादातर फील करने वाली चीज़ें होती हैं कि हमारे पुरखे जहाँ रहते थे उन्होंने कहाँ तक का सफ़र तय किया है, वो एक प्रेरणा का काम भी ज़रूर करता है। इस वीडियो के बारे में, इस यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।